जब टमाटर 250-300 रुपए हुआ जी तो आपके घर में भी बात होती थी टमाटर के बारे में? नहीं नहीं है, मैं भी पूछ सकती हूँ सिद्धीर जी, क्या हुआ जब आप जेल में थे? आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी, बात करूंगा कौमी सियासत की। जी हाँ, कौमी सियासत और हमारा मीडिया जिसको गोदी मीडिया भी कहा जाता रहा है और अब भी कहा जाता है, एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे मीडिया बदल रहा है। मीडिया अब मोदी की जिस तरीके से पहले हिमायत कर रहा था वो अब हिमायत नहीं कर रहा। अब मीडिया जो है मोदी सरकार के मंत्रियों से भी सवाल करने लगा है, सवाल पूछने लगा है। पहले बड़ी आसानी होती थी, जो भाजपा के प्रवक्ता होते थे, जो मोदी जी के मंत्री होते थे, क्योंकि जो एंकर होता था, जो पत्रकार होता था, वो सवाल नहीं करता था। सवाल जो सरकार से करने चाहिए थे वो सवाल जो है वो अपोजिशन के लीडरान से होता था, कांग्रेस के लीडरों से होता था, ममता बनर्जी समाजवादी पार्टी के लीडरों से सवाल होता था। लेकिन अब ऐसा बदला बदला माहौल है कि अब मोदी जी के मंत्रियों से भी सवाल होने लगा है, भाजपा के प्रवक्ताओं को भी कटघरे में खड़ा किया जाने लगा है। अब जब ये हो रहा है तो जाहिर है कि हैरानी भी है कि ऐसा बदलाव क्यों, क्या वाकई 2024 के लिए माहौल बदल रहा है, क्या अब देश बदल रहा है, ये ऐसी सूरत हाल क्यों हो गई है? अभी हाल ही में एक बहुत बड़ी घटना हो गई। मैं घटना इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मीडिया के माहौल में ऐसी घटना को मामूली नहीं कहा जाएगा। बात यह है कि सुधीर चौधरी, जो कि आज तक के इस वक्त एक बड़े जर्नलिस्ट के तौर पर जाने जाते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट प्रोग्राम चलाते हैं, इसके अलावा इंटरव्यूज भी करते हैं, वो एक प्रोग्राम में है जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर स्मृति ईरानी भी हैं। स्मृति ईरानी अमेठी से मेंबर पार्लियामेंट हैं, उन्होंने राहुल गांधी को हराया, इस बार फिर वो जीतने के लिए जोड़ तोड़ कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं। लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो ये कि इस बार स्मृति ईरानी की जमानत तक जब्त हो जाएगी। खैर, ये तो बात की बात है। अब देखिए टमाटर का कितना बड़ा वावेला मचा हुआ है, हंगामा मचा हुआ है टमाटर को लेकर के, 250-300 रुपए किलो कीमत टमाटर की। ऐसे में सुधीर ने जो सवाल कर लिया तो स्मृति ईरानी उछल पड़े और उन्होंने जो जवाब दिया है वो वायरल हो गया। छोटा सा टुकड़ा तो आप देख ही सकते हैं, देख लीजिए। जब टमाटर 250-300 रुपए हुआ तो आपके घर में भी बात होती थी टमाटर के बारे में कि थोड़े थोड़े दिन कम कर दिया जाए? शायद ट्रिविलाइज करना चाहें और इसको थोड़ा, नहीं मैं ट्रिविलाइज नहीं कर रहा, बट इसी को व्हाट अबाउटरी कहते हैं कि मैं आपसे पूछूं, फिर आप कहेंगे कि अच्छा पहले ऐसा होता नहीं है। मैं भी पूछ सकती हूँ सिद्धीर जी, क्या हुआ जब आप जेल में थे? तो ये स्मृति ईरानी और सुधीर चौधरी का वीडियो काफी वायरल हो रहा है, इसको हाथों हाथ लिया जा रहा है, बार बार रीट्वीट किया जा रहा है, कोट किया जा रहा है, सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब यह कहा जा रहा है कि सुधीर चौधरी की तो अब नौकरी चली जाएगी क्योंकि सुधीर चौधरी ने बड़ा सवाल कायम कर दिया है। स्मृति ईरानी वो है जो पत्रकारों को झड़क देती है, पत्रकारों को उंगली दिखाकर बात करती है और कहती तुम्हारी खैर नहीं है, मैं मालिक से शिकायत कर दूंगी। आपने वो वीडियो देखा होगा अमेठी वाला, जिसमें दैनिक भास्कर का एक पत्रकार है, उसको कैसे उन्होंने धमकी दी थी। तो इस तरीके कई वीडियोस वैसे स्मृति ईरानी के इन दिनों वायरल हुए, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट, अब इसमें देखना यह होगा कि क्या वाकई सुधीर चौधरी के खिलाफ कार्रवाई होती, क्या वाकई सुधीर चौधरी बदल गए? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि सुधीर चौधरी बदलते, बल्कि आज तक का आप प्रोग्राम देख लीजिए, उनकी स्टोरीज देख लीजिए, उनकी डिबेट देख लीजिए, उसमें जो बदलाव है उस बदलाव का नतीजा यह है कि सुधीर चौधरी ने इतनी हिम्मत दिखाई कि उन्होंने स्मृति ईरानी से सवाल कर लिया। और जब सवाल कर लिया तो आपने जवाब देखा कि सुधीर चौधरी की जेल की कहानी तक उन्होंने याद दिला दी, और जो फ्लाइंग किस वाला है उस मामले में भी बहस हो गई। बहस जो है वो बराए बहस नहीं थी, बल्कि
स्मृति ईरानी ने सुधीर चौधरी कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं, मैंने तो इस पर साइन ही नहीं किया और इस तरीके की बहसें। तो कुल मिलाकर के ये आज तक का मामला नहीं है, ये सुधीर चौधरी का मामला ही नहीं है। आज रिपब्लिक की बहस में, डिबेट में आप जाइए, वहां आपको बदलाव नजर आएगा। इसी तरीके से एबीपी जो बहुत ही ज्यादा मोदी सरकार और बीजेपी का हामी था, वहां पर भी अगर आप जाएंगे तो वहां पर भी आपको एक बड़ा बदलाव नजर आएगा। रूबिका लियाकत अली चली गई, उनके जगह दूसरे हजरत आए और अब प्रोग्राम का स्वरूप भी बदल रहा है। तो ये क्यों क्यों इतना बड़ा चेंज हो रहा है? क्या मीडिया हाउस को, कॉरपोरेट घराने को यह बात पता चल गई है कि 2024 में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है, या क्या है ऐसा? कहां से यह बदलाव आ रहा है? ये एक बड़ा सवाल लोगों के मन में खड़ा हो रहा है। जनता में अब यह कौतूहल मच गया है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि वो चैनल और वो चेहरे जो गोदी मीडिया कहलाते थे, जो मोदी सरकार का कसीदा पढ़ते थकते नहीं थे, ये वो चैनल हैं कि जहां पर बीजेपी को अपने प्रवक्ताओं को भेजने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि वहां जो एंकर होता था वही बीजेपी का प्रवक्ता कहलाता था, वही पूरी तरीके से सपोर्ट करता था। लेकिन अब स्थिति बदल रही है, हालात बदल रहे हैं, अब वहां पे सवाल दर सवाल। और जब से ये कैग रिपोर्ट आई है तब से और ज्यादा हंगामा हो गया। अभी आप देखिए कि माइनॉरिटी मिनिस्ट्री, उसमें स्मृति ईरानी है और वहां पे जो घोटाले सामने आए, इसके अलावा 11 लाख करोड़ का घोटाला जिसके खिलाफ आम आदमी पार्टी अब जो है वो जिला वाइज 24 अगस्त को धरना देने जा रही है। 11 लाख करोड़ का मोदी सरकार पर घोटाले का इल्जाम लगाया है और कैग के हवाले से लगाया है। जी हां, तो सीएजी रिपोर्ट के हवाले से, तो ये इतना बड़ा बदलाव क्यों है? क्या वाकई ये बदलाव जो है वो सरकार को बदल देगी? और अभी देखिए कि आगे आगे होता है क्या और बीजेपी कैसे सवालों का जवाब देगी, क्योंकि सवाल जो है वो बहुत बड़े बड़े खड़े हो रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि जब लाल किले में नरेंद्र मोदी गए तो वहां उन्होंने झंडा फहराया लेकिन झंडा खुला नहीं, उसका वीडियो वायरल हो गया। 93 मिनट का खुतबा दिया, तकरीर की पीएम मोदी ने, लेकिन शायद ही किसी चैनल ने बहुत ज्यादा उसको दिखाया हो। हां, जो मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्यसभा में अपोजिशन लीडर, उनकी खाली कुर्सी को तकरीबन सभी ने हाईलाइट किया। क्या आखिर वो क्यों नहीं आए, क्यों नहीं गए, क्या वजह है, इस तरीके की बातें। तो बहरहाल ये तमाम चीजें हैं जिनको आप देख सकते हैं। मैं जिस नतीजे पर पहुंचा वो ये कि ऐसा लग रहा है कि माहौल के साथ साथ मीडिया भी बदल रहा है और मीडिया हाउस के बदलने के साथ साथ अब चेहरे भी बदल रहे हैं और वो चेहरे, वो एंकर जो कभी मोदी सरकार को सपोर्ट करते थे और सवाल नहीं करते थे, जो बीजेपी का सपोर्ट करते थे सवाल नहीं करते थे, अब वो सवाल करने लगे। ये बदलाव कहां से आ रहा है, इस पर हम बहुत जल्द आपको अपडेट करेंगे कैसा क्यों हो रहा है। देखते रहिए एमएमसी न्यूज़ इंडिया, जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।